बेगूसराय के भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जिला अध्यक्ष गोपाल जी से कि आखिर रमदेरी की जो यह घटना है, आखिर किसानों पे जो लाठी चार्ज किया गया है और कई किसानों को घायल कर दिया गया, उनका पैर तोड़ दिया गया है, गोपाल जी बताएं आखिर घटना का क्या बात है। ये हमारा पुश्तैनी जमीन है, सैकड़ों साल से हम लोग इस जमीन को जोतते हुए आ रहे हैं। आज नीतीश जी जबरन इस जमीन को कब्जा करने पर तुले हुए हैं और हम लोग जब किसान आते हैं यहाँ, हम लोगों से 5 आदमी को बुलाकर वार्तालाप कर लिया जाता है और वार्तालाप करने के बाद हम लोगों को यहाँ से भेज दिया जाता है और जब हम लोग चले जाते हैं ये लोग काम शुरू कर देते हैं। ये हमारा जमीन है, हमारी माँ बहने सभी हमारे साथ आज इस रोड पर, इस जमीन पर आए हुए हैं। किस लिए? एक सिर्फ सरकार के लिए, सरकार का जो दोहरी नीति है हम किसानों के प्रति वो उजागर हो रहा है। आज जब हम लोग यहाँ आए शांतिपूर्ण बैठक धरना के लिए आए थे और सरकार का जो मुलाजिम है, फोर्स है यहाँ पर, उन्होंने डंडा और ईटा से प्रहार किया। क्या हम लोग कश्मीरी आतंकवादी थे? हम लोग कश्मीरी आतंकवादी थे जो हमारे ऊपर ईटा और पत्थर चलाया गया, हमारे किसान भाइयों का सर फोड़ा गया, पत्रकार भाइयों का पैर तोड़ा गया। आखिर ये चाहते क्या है? ये मेरा जमीन लेना चाहते, हम जमीन नहीं देने वाले हैं। जमीन नहीं देंगे, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं दे सकते हैं। आप देख सकते हैं गरीब किसानों का किस तरह से आक्रोश, और क्यों ना हो आक्रोश। लगभग ये कितने बीघा जमीन, कितने एकड़ जमीन है? 291 एकड़ जमीन है और ये रैयती जमीन है। हम लोग लगान भरते हुए आए हैं, इसका हम लोगों को अवार्ड मिला हुआ है और इस पे हम ट्रैक्टर निकाले हैं, इस पे सारा काम किए हैं और आज सरकार का हो गया और ये गर्मजरुआ हो गया। ये हमारे पूर्वज के टाइम से चल रहा है। इसमें आप एक बात और जवाब दीजिएगा कि बेगूसराय के जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, जिन्होंने इस बार आपने भारी बहुमत से उनको विजय बनाया था, गरीब किसानों के लिए क्या वो कुछ कर रही है या फिर नहीं कर रही है? नहीं, हमारे सांसद ये क्वारंटाइन सेंटर में चले गए हैं। किसान लोग यहाँ मर जाए बेगूसराय जिला का, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग मोदी जी वहाँ ऊपर से बैठ कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, हम खुद आत्मनिर्भर बनने के लिए यहाँ किसान, हमारी माँ बहने, हम लोग सब आ गए हैं। हम आत्मनिर्भर हैं, हमको किसी सांसद का कोई जरूरत नहीं है। हम खुद लड़ाई लड़ेंगे, अपना मेरा जमीन है, मैं लड़ूंगा अपना जमीन का लड़ाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।